दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। और यहाँ पे जो ये लड़के लगातार जो है कमेंट कर रहे हैं, सर एक बार बताइएगा, हमारे कॉलेज से कॉल नहीं आ रही है, हमारे ज़िले से कॉल नहीं आ रही है, और जो कुछ ज़िलों से नए नए ज़िलों से कॉल आना शुरू हो चुकी हैं, वो कौन कौन से ज़िले हैं मैं आपको वो बताना चाहूँगा। भाई अलीगढ़ से मैंने आपको दिखाई दिया, अलीगढ़ से कॉल आ चुकी है, एटा जो आपने एटा सुना हुआ, एटा मैनपुरी, वहाँ से भी कॉल आ चुकी है। लड़कों के पास जो है संविदा चपरासी भर्ती का फॉर्म डाला, प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको। इसके बाद जो है आपका जो है कासगंज से भी कॉल जो है आ चुकी है, कासगंज से भी लड़कों ने जो है, और इनके इंटरव्यू जो है वहाँ पे लखनऊ में हो रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे लड़के कमेंट कर रहे हैं जो इंटरव्यू दे के आए हैं कि सर इंटरव्यू में जो है पैसों की डिमांड भी जो है की जा रही है, इसलिए की जा रही है कि मन चाहे जिले आपको मिल जाएगा, मन चाहे कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि उसमें क्या है, आपका जब भी जैसा घर जो है माना कि एटा में है, आपको अगर ज्वाइनिंग लखनऊ में दे देगी तो आपको दूर पड़ेगा, तो वही क्या है आपके घर के घर में नौकरी मिलेगी, इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं। उसमें जो है बताऊँगा मैं आपको, है ना। तो अब मैं देखते हैं यहाँ पे जो है प्रूफ के साथ देखते हैं वीडियो, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसमें जो है पुरानी क्लर्क भर्ती की क्या है अपडेट, नई अपडेट आ चुकी है, और साथ में जो है उसमें भी मैं आपको बताऊँगा नई जो है क्लर्क भर्ती कब तक आएगी और किसके द्वारा आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो है अभी मैंने एक वीडियो डाला था ये सुबह के टाइम में, मॉर्निंग में, तो यहाँ पे 2 घंटे पहले कमेंट किया हुआ देख सकते हैं, यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं, आप भी जो हैं पढ़े लिखे हैं, आप भी जो हैं यहाँ पे देख सकते हैं, 2 घंटे पहले का वीडियो है और टिंकू सिंह ने किया हुआ है। इन्होंने कहा कि हाथरस से कॉल आया है, हाथरस आप जानते हैं अलीगढ़ के पास में है, एटा मैनपुरी इटावा ये सब हाथरस जो है, जो वहाँ से कॉल जो चपरासी भर्ती के लिए आया। और यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई है, गाजीपुर में जो है नहीं आई सेट है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो और अलीगढ़ से जो है जिन्होंने फॉर्म भरा था इनके पास कॉल नहीं आया, सर मैंने अलीगढ़ से फॉर्म भरा मेरे पास कॉल नहीं आया, तो भाई मेरिट बनेगी भाई, मेरिट के बाद ही तो कॉल आएगा। और आप कह रहे हैं अलीगढ़ से कॉल नहीं आया है, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने जो है पहले मुझसे जो है ये खुद पूछते थे भाई साहब कि हैं जो सर इंटरव्यू हमारे कब डेट घोषित होगी, कब क्या होगा, मैंने कहा डेट घोषित होगी, अब सब्र रखिएगा। अब आप देख लीजिए खुद ही लिख रहे हैं कि जब ये चपरासी भर्ती का अलीगढ़ चपरासी भर्ती इंटरव्यू में लिखित रूप से जो है 20% जो है पूछे गए थे, सीधी सी बात क्या 20% इनसे पूछे गए थे, और इन्होंने खुद किया था कि सर पहले मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा है, मैंने कहा थोड़ा सब्र रखिएगा, अगर सरकार ने फॉर्म भरवाया है तो इंटरव्यू जरूर 100% होगा, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है, अब ये खुद जो है जब इंटरव्यू दे के आए हैं तो लिखा हुआ अलीगढ़ जो है चपरासी भर्ती इंटरव्यू में जो है 20% जो है पूछे जा रहे हैं, और पास हुए अभ्यर्थियों से पैसे की डिमांड की गई, इच्छा अनुसार कॉलेज मिलेगा। मतलब वही चीज़ क्या है कि आपने इंटरव्यू दे दिया, आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है चपरासी भर्ती संविदा पे, तो यहाँ पे जो आपको इच्छा अनुसार कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद नीचे हमारे जो भाई साहब हैं इन्होंने कहा कि भाई कितने पैसे मांगे गए हैं। अब पैसों की डिमांड यहाँ पर हम बताएंगे नहीं, कितने मांगे गए, कितने क्या मांगे, ऐसा बताना सही नहीं है सोशल मीडिया पर, ठीक है। पर ये जो इंटरव्यू देके आए हैं, आपको भी सबको पता है जहाँ इंटरव्यू होता है तो वहाँ थोड़ा बहुत तो चलता ही है, और यहाँ पर भी इन्होंने जो कहा गया है कि यहाँ पर जो है कितने पैसों की डिमांड की गई है और क्या क्या पूछा गया था भाई ज़रूर बताएं। मतलब क्या है कि इनका भी इंटरव्यू लगा हुआ है, इसलिए पूछ रहे हैं कि जो है इंटरव्यू जब भी देने जाएंगे तो इनसे जो है क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो है इनसे भी वही चीज़ पूछी जाए जो इनसे पूछा गया था। तो जो है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से प्रश्न जो है इसमें जो है ज़्यादातर उसी से संबंधित आपके जो है आपके क्या नाम पर्सनल लाइफ से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है अबाउट योर सेल्फ, मतलब अपने बारे में बताइएगा, अबाउट योर सेल्फ अपने बारे में, आप क्या हैं क्या नहीं हैं, है ना, कहाँ जॉब करते हैं, उसके बारे में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं अभी आपको बताऊँगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखते हैं। और एक भाई साहब और हैं राजेश कुमार, इन्होंने खुद किया था सर मेरा इंटरव्यू जो होने वाला है 8 घंटे पहले कमेंट इन्होंने जो है मेरी इस वाली वीडियो पे किया हुआ था, आपने ये वाला वीडियो देखा होगा जरूर 100% ही। यहाँ पर बता रहे हैं सर मेरिट इंटरव्यू के बाद बनेगा या इंटरव्यू के पहले बन चुकी है, प्लीज़ रिप्लाई। सीधी सी बात क्या, मैं इनको बताना चाहूँगा, अभी जो है पहली मेरिट जो बनी थी वो आप शॉर्ट लिस्टेड की बनी थी, मतलब क्या शॉर्ट लिस्टेड की मेरिट बनी थी, शॉर्ट लिस्ट बच्चे किए गए थे, आपका नाम उसमें था, आपने इंटरव्यू दिया था, इसके बाद अब जो है मेरिट बनाई जाएगी वो सिलेक्शन लिस्ट की बनाई जाएगी, एक मेरिट और आएगी सिलेक्शन लिस्ट की होगी, जिसमें कितने बच्चे इन्होंने जो है सेलेक्ट किए हुए हैं, सिलेक्शन लिस्ट आई बहुत जल्द आने वाली, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद जो है पुरानी क्लर्क भर्ती का जो है इंटरव्यू कब तक होगा, ज्वाइनिंग कब तक होगी, रिप्लाई दीजिए, टेंशन हो रही है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी टेंशन ले रहे थे, ये वाले जो भैया हैं ये भी टेंशन बहुत ले रहे थे, हमारा इंटरव्यू कब होगा, फॉर्म हमने भर दिया है, ऐसा टेंशन लेने से काम नहीं चलेगा,
टेंशन लोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब्र रखिएगा, इंटरव्यू जरूर होगा। अगर सरकार ने फॉर्म भरवाया है और सरकार ने अगर वैकेंसी निकाली है तो 100% इंटरव्यू कराया जाएगा। सर जी, बाराबंकी ज़िले का इंटरव्यू कब तक होगा, प्लीज़ रिप्लाई। फॉर्म आपने भर दिया तो 100% इंटरव्यू होगा, ऐसी ज़रूर होगा। और यहाँ पर जो एक सब्सक्राइबर हैं कि संजय कुमार, इन्होंने खुद लिखा है कि हमारा इंटरव्यू 4 तारीख को हो गया है एटा से। अब देखिए, अभी उधर अलीगढ़ चल रहा था, अभी है ना, उधर चल रहा था अभी अलीगढ़, ठीक है। अब एटा से भी जो हैं, अभी अलीगढ़ था, अब एटा, ठीक है। अब एटा से भी जो है, अब इंटरव्यू जो है दे चुके हैं ये, अलीगढ़ से भी हो चुका है, अलीगढ़, एटा, और आपका हाथरस से भी कॉल आ चुका। मैंने आपको अभी दिखाया ना, हाथरस से भी कॉल आ चुका, मतलब धीरे धीरे जो है सभी ज़िलों से कॉल आएगा, ऐसी बात नहीं है नहीं आएगा, 100% आएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ कि आप अपना नंबर दे सकते हैं क्या भाई, फॉर्म कब भरा था। मैंने आपको बोला था ना, जब फॉर्म भरे जा रहे थे, मैंने कहा फॉर्म भरिएगा भरिएगा, कोई सुनता ही नहीं है। बहुत से कहते हैं अरे फर्जी चैनल है ये फलाना ढिंका, अब रह गए ना रह गए हाथ मलते हुए। जब वैकेंसी निकालती, जब मैं बताता हूँ तब तो भरते नहीं है फॉर्म, अब हाथ मल रहे हैं। अब जिन्होंने भर दिया उनके लिए बल्ले बल्ले, मुझे भी सेंड करना अपना नंबर भाई। तो नंबर मतलब क्या है, वही चीज़ है, नंबर या क्यों। अब इनका इंटरव्यू हो गया, इनके मौज में टेंशन फ्री ही है। अब इनकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, मैं आपको बता दूँगा सिलेक्शन लिस्ट जो है क्या होगा। इसके बाद जो लड़के कमेंट कर रहे हैं, सर ये बता सकते हैं कि देवरिया का जो है भर चुकी है उसका, देवरिया का जो है अभी नहीं भरा गया है, बलिया का लिस्ट, बलिया का फॉर्म भर चुका है। और यहाँ पे जो है लिस्ट उसका आने वाला बहुत जल्द, पुरानी क्लर्क भर्ती के बारे में अभी आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। एक माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में जो है, क्लर्क भर्ती के जो है कब तक आएगी, इसके बारे में एक वीडियो बनाइएगा। जब तक कोर्ट केस फाइनल नहीं होगा, जब तक कोर्ट केस फाइनल नहीं होगा तब तक भर्ती नहीं आएगी। इटावा ज़िले में जो है कब तक भर्ती आएगी, सर सभी ज़िलों में आ चुकी है लेकिन इटावा में नहीं आई है। थोड़ा सब्र रखिएगा भाई, सभी लोग ऐसे कह रहे थे हमारे ज़िले से नहीं आई नहीं आई, अभी अब देखिए इंटरव्यू देके आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मऊ डिस्ट्रिक्ट में चपरासी भर्ती का इंटरव्यू कब तक होगा, आपने फॉर्म भर दिया तो 100% होगा, थोड़ा सब्र रखिएगा। और गोरखपुर मंडल में चपरासी भर्ती संविदा पर जो है कब तक आएगी, बहुत जल्द जो है आएगी, चिंता ना करें। तो सीधी सी बात क्या है, यही है। और क्लर्क भर्ती के बारे में बात करें, क्लर्क भर्ती के बारे में इन्होंने पूछा है मेरी इस वाली वीडियो पे, मैं इनको बताना चाहूँगा, जब तक नया आयोग नहीं बनेगा तब तक क्लर्क भर्ती नहीं होगी। नया आयोग पे जो कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, हो सकता है कि जो अगस्त के लास्ट तक जो है क्लियर हो जाए आपकी भर्ती, आपका इंटरव्यू करा लिया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट करा के तुरंत आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। मैंने आपसे बोला था ना, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मैं तो चाह रहा हूँ जुलाई में भर्ती हो जाती, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मई के लास्ट में रहती, मैं तो अब भी कह रहा हूँ 15 अगस्त तक भर्ती आपकी हो जाए, पर मेरे कहने से क्या होगा आप जानते हैं, सरकार प्लस जो है कोर्ट आदेश करेगी तुरंत भर्ती होगी, ठीक है। जब तक नया बन के तैयार हो चुका है, और मेरी जब भी कोई वीडियो आया कर तो मैं तो पूरा वीडियो देखा करिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।